नमस्कार प्रत्यक्षों, हम आपको बता देते हैं कि आज हम जो इंपॉर्टेंट बातें बात करने वाले हैं, जिस बातों का वह बात आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। पहला है डीएलएड एग्जाम डेट टलेगा क्या? एक तरह से कोई चुटकुल्ला ले रहा है ना, कोई मजाक बना रहा है हमारा। दूसरा, तब स्कूटनी डालें कि नहीं डालें, है ना, स्कूटी डालना है कि नहीं डालना है, किसे डालना है, ये भी बातें हम कर लेंगे। यूपी टेट सी टेट दोनों का 1/4। देखिए, एक बात और है बच्चों के मन में, एक भ्रम है। मान लीजिए सर यूपी टेट नहीं आया, तो यूपी टेट नहीं आया, मेरा सी टेट क्लियर है, तो सर क्या सी टेट का 1/4 अगर लगने लगेगा तो क्या सी टेट का 1/4 लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा भाई, क्यों नहीं लिया जाएगा, जैसे सी टेट वैसे यूपी टेट। ये चीज़ दिमाग में रख लेना उत्तर प्रदेश के लिए। और बात करें सुपर टेट कब होगा, ठीक है, एक कल आपने वीडियो भी देखा था लाइव सेशन अपने जो आपके भाई साहब हैं रजत सिंह जी, तो उनके लाइव सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और उनका कहना है कि सितंबर तक अगर आप मेरा साथ देते हैं तो अगस्त सितंबर तक आपको मैं भर्ती लगाकर दिखा दूंगा। तो अब आपकी ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कितना उनका सहयोग करते हैं, कितने साथ उनके खड़े रहते हैं, उनके सहयोगी बनते हैं, ठीक है ना। देखिए, हम एक एक करके बात करते हैं। डीएलएड एग्ज़ाम डेट टलेगा क्या? देखिए मेरे भाई, हम आपको बता देते हैं, एक मित्र हैं, एक भाई हैं, एक बहन है, जो भी हों, उन्होंने कमेंट किया कि क्या सर एक तरह से ये एग्ज़ाम मई में होगा, तो आपको पूरा जानकारी दे देते हैं इस बात का। देखिए, एग्ज़ाम मई में यानी कि मई के फर्स्ट वीक में होगा, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जरूर सुनिए ध्यान से। देखिए, पीएनपी सचिव इतने ज़्यादा हुआ नहीं है कि भाई हाँ चीज़ें बहुत जल्द जल्द करा लें, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि 22 दिन अगर इधर देखें 15 दिन प्लस उधर देखें एक हफ्ता अगर आप कह रहे हो, तो यानी कि 22 दिन के अंदर एग्ज़ाम कराना, नोटिस निकालना, प्लस एडमिट कार्ड वितरण करना, एग्ज़ाम ले भी लेना, समझ रहे हो, पूरी चीज़ें करा सकते हैं क्या 22 दिन में। देखिए, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है और एग्ज़ाम के दिन, मतलब एक तरह से नोटिस जब निकलती है एग्ज़ाम डेट का कि फला डेट को एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम फला डेट से स्टार्ट हो जाएगा, फिर फॉर्म भरना बच्चे फला डेट से करने से लगे शुरू कर देंगे, यानी कि फॉर्म का पहले डेट आएगा कि भाई बच्चों फॉर्म भर लो, सारे डाइट को, सारे जो आपके एक तरह से, मतलब एक तरह से जो आपके प्राइवेट विद्यालय हैं उनको एक तरह से दिशा निर्देश दिया जाता है, माननीय इस दिशा निर्देश से अपने फॉर्म फिलअप करवा ले, एक दिन डाइट को एक्स्ट्रा दिया जाता है इस प्रकार से। तो जो अवसाद वाले बच्चे होते हैं, जो जिनके मन में अवसाद होता है ना, वो चीज़ें पहले से उड़ा देते हैं। जैसे देखिए, कुछ बच्चे हैं जो उड़ाए हुए हैं कि भाई पहले वीक में, मई के पहले वीक में एग्जाम हो जाएगा, है ना, कहीं से सुने होंगे, उड़ा दिए और इस चीज़ के लिए कहीं से भी वायरल होना शुरू हो जाता है चीज़ें, है ना। तो 22 दिन के अंदर ना ही वो नोटिस निकाले हैं अभी, तो 22 दिन के अंदर एग्जाम कैसे हो सकता है? पहले तो एग्जाम के लिए नोटिस यह निकलेगा कि भाई फला डेट को आप फॉर्म भरो, उसके बाद एक नोटिस और आएगा कि फला डेट से आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आप उसके लिए एडमिट कार्ड लेने चले जाओगे। मतलब मिला जुला कर देखें तो अगर अभी भी आज के डेट में अगर नोटिफिकेशन आता है तो भी एक महीने बाद एग्जाम होंगे, यानी कि 15-16 मान के चलिए मई, अगर आज के दिन भी नोटिफिकेशन आता है तो, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, ना ही आने वाला है एक हफ्ते के अंदर, आगे एक हफ्ते, तो मान के चलें आपका लास्ट मई या फिर 15 जून से पहले पहले एग्जाम कराए जाने की पूरी संभावना बन रही है, ठीक है भाई। ना ही एग्जाम टलेगा, ना ही एग्जाम बढ़ेगा, जो भी चीज़ें हैं आपको आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है। और रही बात स्कूटनी की, बात स्कूटनी डालें कि नहीं डालें, जिन बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर से रुका हुआ है बेशक डाल दें, क्योंकि पिछली बार भी मैक्सिमम बच्चों का पढ़ा था, लगभग 0.4 बच्चे पास हुए थे, कितना बहुत बड़ा अमाउंट है, 0.4% 100% में सोच लीजिए, यानी कि अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो मान के चलिए कि आपके नंबर या फिर कॉपी चेकिंग नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए, हाँ कुछ लोगों का जो होता है लिंक थोड़ा होता है ना, जो तगड़े रूप में लिंक वाले होते हैं, सच में कहूँ तो ऐसा होता भी है, दलाल होते हैं कुछ जो कि बहुत अच्छे लिंक वाले होते हैं, तो उनका हो जाता है उसमें किसी न किसी रूप में पैसे रुपए देकर वो हो जाते हैं, ये सच्चाई है। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें, ऐसे बच्चे जो खुद पे विश्वास रख के डालते हैं कि हम 100% कह रहे हैं हमारा 24 नंबर का सही था, या 2 नंबर दिया हमको ससुरा, 2 नंबर कैसे दे दिया, 4 नंबर कैसे दे दिया, 3 नंबर कैसे दे दिया, ऐसे बच्चे का निकलता है, क्योंकि वह सच में सही लिखे होते हैं, उनका नंबर गड़बड़ होता है, उनका निकल जाता है। अगर ऐसे हो आप, आपका मैथ कमज़ोर है, आप सोच रहे हो हाँ मेरा मैथ कमज़ोर है, हम एग्ज़ाम भी इस डर डर के दिए थे, डर के कि किसी तरह पास हो जाए, किसी तरह पास हो जाए, और मेरा 5 नंबर आया है, सर बताइए इसको नहीं डालने के, नहीं डालने, भाई क्यों डालोगे, आपको पता है आप डरते हुए एग्ज़ाम दिए हो, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस हो ही नहीं, तो इसको नहीं डालोगे, 100 रुपये नुकसान करोगे अपना, 100 रुपये में थोड़ा सा रखे रहो, कम ही देने वाला है, ठीक है, यह चीज़ है। तो हम आपको यह चीज़ें बता दिए कि स्कूटनी डालना है कि नहीं डालना है इनडायरेक्टली, अब आप सोच सकते हो। अब यूपी टेट सी टेट दोनों का 1/4, देखिए भाई अभी तक यूपी टेट का 1/4 सुने थे, सी टेट का 1/4 कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में यूपी टेट नहीं होता, शिक्षक भर्ती आ जाती है, बाई द वे ऐसा कंडीशन घटेगा नहीं, वैसे पहले यूपी टेट होगा फिर सुपर टेट होगा, क्योंकि शिक्षा आयोग पहले यही बोला हुआ है और यही कराएगा, पहले यूपी टेट फिर सी टेट। बाई द वे अगर ऐसा घटना घट जाता है, सी टेट वाले बच्चे सी टेट पास हैं और यूपी टेट वो नहीं पास हैं, तो शिक्षक भर्ती आ जाती है, उस कंडीशन में वह यूपी टेट अगर नहीं दिया तो सी टेट का क्या 1/4 लगेगा, अगर 1/4 लगने लगेगा तो हाँ बिल्कुल
यूपी टेट अगर नहीं पास है और सी टेट अलाउ है उत्तर प्रदेश में, तो सी टेट का 1/4 लेंगे, निश्चित रूप से आपका 1/4 उसमें से लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चों का कहना यह है कि भाई कंपलसरी हो गया यूपी टेट देना क्योंकि 1/4 लगेगा। भाई ऐसा तो भी नहीं लिखा है कहीं सी टेट वैलिड नहीं है, अगर यूपी टेट में 1/4 कंपलसरी है तो सी टेट भी तो ऐसा नहीं लिखा है सी टेट उत्तर प्रदेश में वैलिड नहीं है, तो सी टेट का 1/4 नहीं लगा सकते क्या? अगर यूपी टेट के 1/4 लग गए, अभ्यर्थी जो है यूपी टेट नहीं पास है, सी टेट पास है, भर्ती आ गई, तो सी टेट का 1/4 लगाएगा। ये बातें हैं थोड़ी सी जो हमारा अंतरात्मा मतलब एक तरह से अंदर से निकल के आ रहा था जो चीज़ें, वह मैंने अपने आपके आपको सामने आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे देखिए सुपर टेट, देखिए सुपर टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, अगर देखा जाए कल का आपने लाइव सेशन नहीं देखा था तो देखिएगा जरूर, प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, उसमें आपके रजत सिंह जी का कहना यही था कि भाई आप हमारा सहयोग करें, आप हमारा सहयोग करें, हम आपको सितंबर अक्टूबर तक सितंबर अगस्त सितंबर तक आपको वैकेंसी ला के दिखाएंगे। तो बस यही है, आप सहयोग नहीं करते हो, आप अपने पे विश्वास नहीं, देखिए आप कितने साल से पढ़ रहे हो, 4 सालों से पढ़ रहे हो, अगर 4 सालों से पढ़ रहे हो तो खुद पे विश्वास क्यों नहीं रखते? अगर 4 सालों से आपको बोला जाए भर्ती नहीं आई तो आप बोलोगे 4 सालों से पढ़ रहे हैं भर्ती नहीं आई। अब भाई 4 सालों से पढ़ रहे हो भर्ती नहीं आई तो क्या एक शिक्षक भर्ती के पीछे पड़े थे? अगर आपको उस समय मान लीजिए उत्तर प्रदेश का PCS निकल जाता तो PCS में नहीं जाते, तो फिर यही बोलते मैं उत्तर प्रदेश की भर्ती की तैयारी कर रहा था, शिक्षक भर्ती का मेरा उसमें जाना था, मैं इसमें क्यों आ गया, ऐसा बोलते ना। तो इसका मतलब है साफ साफ आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, पहली बात है। और दूसरी बात है, अब आप यह सोच रहे हो कि भर्ती आने वाली हम पढ़ लें धरने पर न जाएं, सभी लोग धरने पर आ रहे हैं, तो ये भी आपका गलतफहमी है कि आप पढ़ लोगे कुछ दिन में, और कुछ बच्चे हैं जो कि एक तरह से भर्ती के लिए धरने के लिए जा रहे हैं और आप उनका सहयोग नहीं कर रहे हो। आप कह रहे भाई भाई हम आपके साथ हैं, भाई हम आपके साथ हैं, ऐसे कहने से नहीं होगा भाई, आपको सहयोग करना होगा, आपको आना होगा वहाँ पर, भर्ती आएगी नहीं तो फिर से एक साथ तैयारी करो, फिर कहोगे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं हमारा भर्ती आया नहीं, नहीं तो अब तक हो गया होता मेरा, ऐसे कहोगे। तो क्या 5 साल से 4 साल से एक ही भर्ती आई है? रेलवे में भर्ती नहीं आई, SSC में भर्ती नहीं आई, PCS कितनी बार आया, UPSC कितनी बार आया? अगर आप तैयारी ही कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, तो फिर भर्ती के पीछे क्यों पड़े हो शिक्षक भर्ती के पीछे? अगर पड़े ही हो शिक्षक भर्ती के पीछे तो उसमें पूरा योगदान आपका होना चाहिए, चाहे भर्ती निकलवाने को लेकर है, चाहे भर्ती में पदच्युत को लेकर हो, चाहे भर्ती में शामिल होने को लेकर हो, कुछ भी हो पूरा योगदान आपका होना चाहिए, धन से भी तन, धन से तो छोड़ ही दो, तन से मन से ये साथ होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आप हैं तो ही ये चीज़ें आगे बढ़ेंगे और आप अपने लिए सोचोगे, आपको अपने पे खुद पे विश्वास है, ये चीज़ें नहीं। अगर आपको सहयोग करना है तो भाई साहब का रजत जी का पूरा सहयोग करिए, हर जगह जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बोला भी है कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक तरह से चुनेंगे और वहाँ पे बताया जाएगा किस प्रकार से सारी चीज़ें होंगी, रणनीति बन रहा है, तो आपको उसके लिए बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। और आपको पता है आपके शिक्षा मंत्री जी को कल ज्ञापन भी सौंपा गया इसके विषय में, है ना, भर्ती 51,000 के पद को लेके। तो ये चीज़ें हमने आपको बताया, जो चीज़ें उनसे बात भी हुई तो उनको ज्ञापन सौंप दिया गया है, इतनी भर्ती है, ज्ञापन वैसे कई बार सौंपा गया है, इसका कोई निर्णय नहीं निकल के आया है, खैर ये नया काम नहीं है। तो बस यही है, सहयोग करिए, भर्ती निश्चित है आने वाली है, अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तैयारी में जुटे रहें, हमें नहीं कहते तैयारी बिल्कुल छोड़ दीजिए। धन्यवाद।